आप जाओगे उसको विश्व गुरु की उपाधि देने के लिए, केवल लिफाफा और चद्दर लेने के लिए? विद्वानों, मेरा आप सबसे निवेदन है, समस्त वृंदावन के भक्त समाज से, षड दर्शन साधु समाज से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसके लिए सोचो। कार्ड बढ़ चुके हैं, इसके लिए आप तुरंत एक सामूहिक बैठक बुलाई जाए, विद्वान जन इस बैठक का आह्वान करें। ऐसा कार्य इस धरा पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, हे भक्तों, हे संतों, इस कार्य में सम्मिलित तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो लोभी लालची लिफाफे के चक्कर में वहाँ जाएं, उनका भी विरोध होना चाहिए। ऐसी हिम्मत हम लोग जुटाएं, एकता का परिचय दें, भगवान के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, वृंदावन में रहने के नाम पर, वृंदावन धाम के नाम पर, ये हम सबको निर्णय करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम सनातन धर्म से संबंधित सभी विषयों को धर्म की आवाज चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया के फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिस बाबा के विषय में आपको बताया था, जो कि भगवान की प्रिया तुलसी को अपने पैरों पर चढ़ावाता है, उसके भक्त उसके पैरों पर तुलसी चढ़ाकर उसका पूजन करते हैं, शंख द्वारा पैरों पर पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, शंख घड़ियाल मोरपंख आदि से उनकी आरती होती है, उसके स्वरचित गुरु चालीसा में लक्ष्मी भूमि संतोषी माता का वह स्वामी बताया जाता है, ब्रज की महारानी श्री राधा रानी को उसके भक्त उसकी दासी बताते हैं। उस वीडियो में हमने सभी प्रमाणों सहित उस बाबा की पूरी जानकारी बताई थी। आप उस वीडियो को हमारे धर्म की आवाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख सकते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार कुछ चंद पैसों के लोभ में ऐसे बाबाओं का महिमा मंडन करते हैं और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा इस बाबा को वृंदावन में विश्व गुरु की उपाधि दी जा रही है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन इसको विश्व गुरु की उपाधि देगा और कौन इसका विरोध करेगा। भगवान की प्रिया तुलसी जी एवं श्री राधा रानी का अपमान करने वाले इस मनमुखी बाबा के आचरण से वृंदावन के विद्वान महापुरुषों एवं साधु संतों में इसके प्रति काफी आक्रोश है। इसी विषय से जुड़े हम आपको कुछ विद्वानों एवं प्रतिष्ठित संतों के वक्तव्य सुनाएंगे। सर्वप्रथम हम वृंदावन के वामदेव ज्योतिर्मठ के पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनंत देव जी महाराज, जो कि राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, राष्ट्र और सनातन से संबंधित विषयों को बेबाकी और निष्पक्षता से सभी के सामने रखते हैं। पहले आप उनका वक्तव्य सुनिए और सभी संत समाज, सभी वैष्णव, सभी ब्रजवासियों से क्या अपील की? आज मुझे एक समाचार देखने का अवसर मिला, उससे मेरे अंतर में बहुत वेदना हुई, दुख हुआ। हमारे अंतर के भाव आप सब यहाँ के शास्त्र विद्वान, प्रवक्ता, कथावाचक और इस श्री वृंदावन धाम में रहने वाले समस्त भगवान के भजन में आहर्निश लगे रहने वाले भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं, उन सबके समक्ष में अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। वेदना यह है कि एक तथा कथित संत के वेश में महानुभाव दिखाई पड़ते हैं, उनकी उस विचित्र स्थिति को देख करके मुझे बहुत दुख। भगवान की महारानी के रूप में तुलसी जी को हम स्वीकार करते हैं, तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तुलसी देवी को हम अपना उपास्य भी मानते हैं, वो हमारे लिए पूज्या हैं, सब तरह से पूज्या हैं। हमारे सनातन धर्म में तो तुलसी का विवाह करके हमारे गृहस्थ भक्त धर्मात्मा महानुभाव अपने को कृतकृत मानते हैं, कन्यादान करने के बाद भी जिनके कन्याएं हैं वो, जिनके कन्याएं बेटियां नहीं हैं वो अपने को कृतकृत मानते हैं, जब तुलसी देवी का विवाह भगवान के साथ वो करा दे। तुलसी का प्रसाद मिलता है तो उसे मस्तक पर धारण करते, किंतु मैंने देखा इस वृंदावन में एक ऐसे तथा कथित वेशधारी साधु वेश में जो तुलसी अपना अर्चन कराते हैं, वो तुलसी उनके पैरों पर चढ़ाई जाती है। और इतना ही नहीं, वैष्णव समाज का सिरमौर जो तिलक आप देख सकते हो, आप सब महानुभावों के पास भी वो क्लिप पहुंची होगी, जो हमारे मस्तक पर तिलक रहता है, हमारे बच्छस्तर पर रहता है, हमारे भुजाओं पर रहता है, जो हमारे वैष्णवाचार्यों का गौरव रहा है, ऐसे उस तिलक की भी अवमानना, उसका अपमान, उसका तिरस्कार आप वहां देखेंगे। वह वैष्णव तिलक उनके पैर के ऊपर लगा, ये क्या है? क्या हम वैष्णव जन, हम सनातन धर्मी, हम अपने कुंतु कहलाने वाले इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं क्या? इस
श्रीधाम में, ये भगवान कृष्ण की लीला भूमि, ये भगवान कृष्ण का अपना धाम, अपना घर, जहां हमारे वैष्णव जन ये कहते हैं भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते हैं, वहीं वृंदावन में ये अपमान हो रहा है। और हमारे आपके वाणी पर जिन श्री राधा जी का नाम उठते बैठते सोते सब समय भक्तों के कंठ पर रहता है, और ये प्रसिद्ध दोहा है, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण है तेरे आधी, ऐसी हमारी आराध्या भगवान की आह्लादिनी शक्ति के रूप में श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन में ही नहीं समग्र ब्रज मंडल में, समग्र ब्रज मंडल में ही नहीं समस्त भगवान कृष्ण के उपासकों के हृदय में जो विराजमान रहती हैं भगवान कृष्ण के साथ, उनको इस तथा कथित साधु वेशधारी ने एक चालीसा बनाया गया, उनसी राधा रानी जी को, श्री किशोरी जी को उनको दासी के रूप में प्रस्तुत किया गया। हे ब्रजवासियों, हे वृंदावन वासियों, हे विद्वान लोगों, हे संत समाज में अग्रगण्य भूमिका निभाने वाले, राष्ट्र और धर्म की चर्चा करने वालों, कहां सोए हुए हो? क्या आपके अंतर में जो मैं कह रहा हूं, मैंने जो देखा है वो सत्य है, और जो कह रहा हूं उसके आधार पर वो मैं सत्य कहता हूं, आप देखोगे तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्यों नहीं खून खौलना चाहिए? और इस धरा पर, विशेष करके इस धरा पर, और वह भी वह है जो इस भारत भूमि में पैदा भी नहीं हुआ है, हिंदू संस्कृति में जिसने जन्म भी नहीं लिया है, हिंदू धर्म की मान्यता भी उसके पास नहीं है, समस्त देवी देवताओं का स्वामी, समस्त देवी देवताओं का भगवान बताने वाला, आज मैंने उसमें सुना। और ये वृंदावन में चर्चा, किसी एक दो को मैंने फोन किया, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास भी एक निमंत्रण पत्र आया है, आमंत्रण आया हुआ है कि इस धरा पर उसे विश्व गुरु की उपाधि दी जा रही है, उसे विश्व गुरु बनाया जा रहा है। हे वृंदावन वासियों, हे समस्त विद्वत जनों, कथा वाचको, भगवान के भक्त, सरदर्शन साधु समाज, सन्यासी उदासी, समग्र वैष्णव समाज इस बात पर विचार करे, इस वृंदावन में तो एक ही गुरु है जिसका नाम है जगत गुरु भगवान कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत, जगताम गुरु गच्छतीति जगह, जो चलता है फिरता है, प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का जो हित करने वाला, रक्षा करने वाला, सर्वसमर्थ जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, वो हमारे लिए जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे वृंदावन वासी कहते हैं अगर कोई जगत गुरु है तो भगवान कृष्ण है, उन्हीं के इस धाम में विश्व गुरु, कौन बनाएगा इनको विश्व गुरु? हे सन्यासियों, गैरिक वस्त्र धारण करने वाले, लाल वस्त्र धारण करने वाले, हे वैष्णव जनों, विचार करो क्या आप उनको विश्व गुरु बनाने के लिए जाओगे? थोड़े से लोभ के कारण आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी मर्यादा, इन सबको क्या तिलांजलि दोगे? क्या आप इस कार्यक्रम में जाकर के उन्हें चद्दर उड़ाओगे? क्या आप अपनी फोटो खिंचाओगे? अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए जमुना जी में डूब के मरने की बात नहीं, किसी नाली में डूब करके मरने के तुल्य विषय है। चुल्लू भर पानी में हम संत समाज को डूब के मर जाना चाहिए, जो ऐसे तथा कथित, जो शंख में पंचामृत भर के, दूध भर के शंख से अपने चरणों पर चढ़वाता हो, पूजन अपना अपने पैरों का कराता हो, आप जाओगे उसको विश्व गुरु की उपाधि देने के लिए, केवल लिफाफा और चद्दर लेने के लिए? विद्वानों, मेरा आप सबसे निवेदन है, समस्त वृंदावन के भक्त समाज से, षड दर्शन साधु समाज से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसके लिए सोचो, कार्ड बढ़ चुके हैं, इसके लिए आप तुरंत एक सामूहिक बैठक बुलाई जाए, विद्वान जन इस बैठक का आह्वान करें, ऐसा कार्य इस धरा पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, हे भक्तों, हे संतों, इस कार्य में सम्मिलित तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो
लोभी लालची लिफाफे के चक्कर में वहां जाएं, उनका भी विरोध होना चाहिए। ऐसी हिम्मत हम लोग जुटाएं, एकता का परिचय दें, भगवान के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, वृंदावन में रहने के नाम पर, वृंदावन धाम के नाम पर, ये हम सबको निर्णय करना चाहिए। तो आपने सुना, जो सच्चे संत होते हैं जब उनको ऐसे विषयों का पता चलता है तो उनको कितनी वेदना होती है, कैसा कष्ट होता है, जो आप उनके वक्तव्य से साफ देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यदि आप भी सनातन धर्म को लेकर के गंभीर हैं और आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप सभी को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। सच्चे साधु संतों, विद्वान महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म में पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप भी अपना सुझाव कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सनातन धर्म से संबंधित विषयों को जानने के लिए आप हमारे धर्म की आवाज चैनल से जुड़ें, फॉलो करें, लाइक करें, धर्म की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।